शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरस पड़े। मार रोड, जे रोड, कला गुजर सिंह समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें सैराब आ गई हैं। गर्मी का जोर टूट चुका है, लेकिन मौसम भी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अली से। बताइए अली, बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है? जी, लाहौर के अंदर पिछले 5 से 6 घंटे से बारिश का जो स्पेल शुरू हुआ था वो अभी तक भी कम तक और वक्त वक्त से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जम के बारिश हुई है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर लाहौर के निशेबी इलाके जितने जिनमें रिंग रोड के तराब की वादियां हैं, इसी तरह निशेबी इलाके जहाँ सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं है, उन इलाकों में पानी ताहाल नहीं निकला। कुछ लाहौर की मेन ऐसी सड़कें हैं, माल रोड का कुछ ऐसा हिस्सा है जहाँ से पानी नहीं निकलता, जीपीओ साइड पे, इसी तरह हाईकोर्ट साइड पे एक ऐसा एरिया जहाँ मजांग का जहाँ से पानी नहीं निकलता, इसी तरह मेरी कॉलेज साइड पे पानी नहीं निकला, इसी तरह हाजी कैंप साइड भी साइड मुतासर होती है, ताजपुरा साइड और दीगर ऐसी मुतद्दिद सड़कें हैं गुलबर्ग एरिया निशेबी इलाकों के साथ साथ जो पोश इलाके हैं वहाँ से भी पानी की अभी जो अखराज है वो शुरू नहीं हुआ। वर्षा की टीमें रात भर मौजूद रही है सड़कों पे क्योंकि बारिशों से वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत दीगर जितने भी इलाके और गिरदनवा में भी बारिशें मजीद होंगी और बारिशें ज्यादा होने की वजह से हाई अलर्ट पहले जारी कर दिया गया था। जो तूफान समंदर किनारे आज टकराना है पाकिस्तान और भारत के शहर गुजरात को, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। देखते हैं कि बारिशें अगले 48 घंटे में क्या रंग दिखाती है। अगर सिंध, बलोचिस्तान, सरहद, सरहदी इलाके, पाक भारत जितने भी अगर बारिशों की लपेट में रहेंगे उससे ना सिर्फ निशेबी इलाके मुतासर होंगे बल्कि फसलें मुतासर होंगी, तमाम तरह काम भी मुतासर होगा और शहरी जो उनके लिए परेशानी का सामना रहेगा। जी ठीक है अली, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।